एग्जाम कैसा हुआ? क्या नाम है? अंकुर कुमार दुबे। कहाँ से आए हो? यहीं पटना से। पटना से ही आए हो। टफ कौन सा लगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से? टफ मैथ्स लगा। मैथ टफ था, फिजिक्स? फिजिक्स इजी था लेकिन थोड़ा मीडियम था, एवरेज था। और केमिस्ट्री सबसे इजी था। और फिजिकल और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्या वेटेज था? इक्वली था, ऑलमोस्ट इक्वल था। फिजिकल से क्वेश्चन आए थे? आए थे फिजिकल से। सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस आया था। क्या आया था, याद है? हाँ याद है, सरफेस आया था, एरोसोल, जेल, फोम, इमल्शंस, ये सब बताने वाला आया था मैच फॉलोइंग। एनसीईआरटी में जो टेबल है वही आ गया था क्या? हाँ एनसीईआरटी टेबल आया था मैच। ओके नहीं वो नहीं, थोड़ा लगता है, मतलब वहाँ से हेल्प मिल सकता है। और पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आए थे? पीरियोडिक नहीं थे। केमिकल बॉन्डिंग? केमिकल बॉन्डिंग से। क्या मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन था क्या, कोई बता रहा था? वो था स्पिन का निकालना, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। हां ओके ओके। कि इक्वल किस में है, दो कॉम्प्लेक्स है, इक्वल किस में है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ था। हां वही कॉम्प्लेक्स दिया था। ओके ठीक है। और मैथ्स में कोई क्वेश्चन याद है किसी भी टॉपिक का? मैथ्स में वही मीन निकालना, मीन वेरिएंस का क्वेश्चन आया था। स्टैटिक्स में मीन वेरिएंस का क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटी फार्मूला बेस्ड था या कुछ और भी था? फार्मूला बेस्ड था, फिर एक प्रोबेबिलिटी, एक उससे आता प्रोबेबिलिटी से था। प्रोबेबिलिटी से था, इजी था प्रोबेबिलिटी से? हाँ इजी था, एनसीईआरटी टाइप ही था। एनसीईआरटी टाइप था। हाँ मतलब कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी और एस्थेटिक्स वाला पूरा एनसीईआरटी टाइप से ही था। हाँ कह सकते हैं। ओके कहाँ से तैयारी किए थे? तैयारी हम कोटा में थे। कोटा में थे, कहाँ? रेजोनेंस। रेजोनेंस में। ओके क्या लगता है कितना आ जाएगा? वो बता, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ओके ओके, तुम्हारा कौन सा अच्छा गया तीनों में से? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ठीक है। केमिस्ट्री अच्छा गया है। हाँ ओके चलो, ऑल द बेस्ट। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा था। क्या नाम है? सेजल। कहाँ से आई हो सेजल? मसौरी। मसौरी से। कैसे आई हो, पेरेंट्स लेकर आए हैं? हाँ। ओके पेपर कैसा हुआ? अच्छा था, मैथ्स और केमिस्ट्री का इजी था। केमिस्ट्री और मैथ्स इजी था, फिजिक्स टफ था? मतलब थोड़ा टफ था या लेंदी था? मुझे लगा थोड़ा टफ लगा आपको। ओके और केमिस्ट्री में फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का क्या वेटेज था? सेम वेटेज था। फिजिकल से सवाल आए थे? यस सर। सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन था? नो सर। सरफेस का क्वेश्चन नहीं था। आयनिक का था? आयनिक का एक था। और इनऑर्गेनिक का क्या हालचाल था? इनऑर्गेनिक से सवाल आए थे? Yes, किस टाइप के सवाल आए थे? एनसीईआरटी बेस्ड आए थे इनऑर्गेनिक से। केमिकल बॉन्डिंग से कैसा सवाल पूछा गया था? केमिकल बॉन्डिंग से बस ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आपको याद है किसमें पूछा था? मतलब कि जैसे दो एक दिए हुए थे, दोनों का निकालना था, मैग्नेटिक मोमेंट्स वगैरह निकालने का। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, म्यू के वैल्यू निकालने का भी क्वेश्चन आया था। ठीक है हो गया क्वेश्चन आपका? ओके ओके ठीक, थैंक यू। हम अच्छा हुआ। क्या नाम है? संजीव कुमार। कहाँ से आए हो संजीव? हनुमान नगर कंकड़बाग से। ओके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से इजी कौन सा था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इजी था। और फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में से वेटेज किसका ज़्यादा था? ज़्यादा करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक का सवाल ज़्यादा आया था। ओके अच्छा गया। क्या नाम है? मनीष कुमार। कहाँ से आए हो? बेगूसराय से। बेगूसराय पास आ जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से इजी कौन सा था? मुझे तो केमिस्ट्री लगा। केमिस्ट्री इजी था। एनसीईआरटी से आया था क्या? हाँ एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन थे? डायरेक्ट नहीं, मतलब थोड़ा टफ था। फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में किसका वेटेज ज़्यादा था? मैंने तो ज़्यादा था फिजिकल केमिस्ट्री किया। फिजिकल का क्वेश्चन ज़्यादा आया था। ओके इजी कौन सा लगा फिजिकल और ऑर्गेनिकली? फिजिकल इजी था। किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड या थ्योरेटिकल? बोथ, दोनों आए थे। ओके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से टफ कौन था? सबसे टफ कौन था? मैथ था। मैथ्स टफ था। और फिजिक्स? फिजिक्स मतलब लेंदी था, मीडियम था। अच्छा फिजिक्स लेंदी था, मैथ तीनों में टफ था, केमिस्ट्री इजी था। ओके ओके मैथ में सबसे टफ सवाल किस टॉपिक से आए थे? थे जो नहीं बन रहे थे, नहीं इलिप्स। इलिप्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा था, मिक्स करके दिया था क्या? सिर्फ इलिप्स था? मिक्स था। ओके ओके और वेक्टर 3D से क्वेश्चन था? एक था। इजी था या टफ था? इजी था। हो गया। ओके तो वेक्टर 3D से प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आए थे? प्रीवियस ईयर बना के गए थे? एन टी या व्यास बना के गए थे, उससे क्वेश्चन आया था? ओके थैंक यू। क्या नाम है? आयुष कुमार। कहाँ से आए हो? पाठशालीगंज से। कैसे आए हो, पेरेंट्स लेकर आए? गार्जियन है। ईजी तुम्हारा पेपर कैसा हुआ? मीडियम गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से ईजी कौन सा था? केमिस्ट्री था। केमिस्ट्री ईजी था। मैथ्स क्या था? मैथ्स थोड़ा ठीक था, टफ था, मतलब कैलकुलेशन। फिजिक्स के रिस्पेक्ट में क्या था, टफ था या इजी था? फिजिक्स टफ था या मैथ टफ था? दोनों सेम था। मैथ में कैलकुलेशन ज़्यादा आया था क्या?
कैलकुलेशन। किस टॉपिक से कैलकुलेशन ज़्यादा आया था? ज़्यादा इंटीग्रल ही हो गया। इंटीग्रल से क्वेश्चन आया था। डेफिनेट या इनडेफिनेट? दोनों से आया था। दोनों से, डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों से आया था। ओके ओके, चलो थैंक यू। थैंक यू।